नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। लखीमपुर खीरी के इब्राहिमपुर का है, जहां गरीबों के खाद्यान्न पर कोटेदार जमकर कर रहा है घटतौली। आपको बता दें कि इब्राहिमपुर का कोटेदार विष्णु पर स्थानीय लोग ग्राम प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा कि विष्णु कोटेदार खाद्यान्न में कटौती करते हैं और जिसका राशन कार्ड होता है उसको कहते हैं कि तुम्हारा राशन कार्ड की लिस्ट से नाम काट दिया गया है और आपको इसलिए राशन नहीं मिलेगा। जब इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से की तो ग्राम प्रधान ने तत्काल कोटेदार की शिकायत एसडीएम से की। एसडीएम ने मौके पर निरीक्षण अधिकारियों को भेजकर जांच कराई। जांच में जब खाद्यान्न चेक किया गया तो उसमें से 3 से 4 किलो खाद्यान्न कम निकला। निरीक्षण अधिकारी ने जब कोटेदार से राशन वितरण रजिस्टर मांगा तो कोटेदार टाल मरोड़ करके रजिस्टर को नहीं दिया। फिलहाल जांच अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कोटेदार के विरुद्ध जल्द से जल्द जांच करवाई की जाएगी, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। आईबी इंडिया न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता लखीमपुर। जी, आपके ग्राम सभा में कोटेदार का क्या मामला है? कोटेदार का मामला यही है, कोटा तो दूसरे का है और चलाते दूसरे लोग, और हर गल्ला जब हम लोग कहने जाते हैं तो किसी को देते भी नहीं है और जिसका नाम है उसको भी नहीं देते हैं। और कहते हैं तुम्हारा ऑनलाइन हुआ ही नहीं, 90 लोगों को मैंने काट कर डबल काट था, काट कर फिर वो सिग्नल बनाया तो गाँव में फोन कहा है कि तुम्हारा प्रधान जी काट काट। जब अधिकारी को बुलाया जब चेक 1 महीना पहले अधिकारी चेक किए तो बोले कि नहीं राशन सबको, जिसका जिसका ऑनलाइन हुआ है राशन सबको, तो उसने बोला कि ठीक है और दूसरे दिन फिर नहीं दिया। तो फिर हमने आज 10 बजे घर पहुंचा, 10 बजे घर पहुंचने के बाद हमने गल्ला जब लेकर लोग जा रहे थे तो हमने गल्ला को रुकवाया, गल्ला रुकवा कर कांटा मंगाया, कांटा मंगा कर मैंने उसको तोड़वाया, हर गल्ले में 3-4 किलो कम पाया।